बन रहे हैं तकरीबन 1950 तक इसमें पानी मौजूद था, 1870-75 साल पहले तक। अब माशाल्लाह हज में बड़े बच्चों की जमात होते हैं, पानी की कमी नहीं होती, खाने की चीजों की कमी नहीं होगी। सऊदी हुकूमत माशाल्लाह हज में बड़ा आधुनिक देती है, बड़ी सहायता देती है। तो जब ये लहर बनाई तो मेरे से किसी ने कहा था इतना बड़ा खर्चा पूरे कर लिया तो मैं मिला क्या, तो मैं मिला क्या, मैंने ने कहा कि वही तो हमारा है कि शायद इसकी वजह से अल्लाह तआला बख्शिश फरमाए, और अल्लाह तआला को इसी अमल की वजह से जुबैदा की बख्शिश फरमाए। सीधे हाथ पे एक मस्जिद आपको नजर आ रही है, दो मीनार वाली, सीधे हाथ की तरफ देखें थोड़ा सा आगे, मस्जिद मशहूर अल हराम है, इसका जिक्र कुरान पाक सूरह बकरे में मौजूद है, आयन अल मशहर अल हराम। ये भी पूरा साल बंद होती है, सिर्फ हज में खोली जाती है साल में एक ही दफा। ये सामने देखे छोटी सी मस्जिद, यमन का एक पाशा था अब्रहा उसका नाम था, जो हाथियों पर सवार था, लश्कर के साथ जिस इलाके से हरम की तरफ जा रहा था, एक इरादे से कि मैंने अल्लाह के घर को नौज मिला गिराना है। और जिस जगह पर वो लश्कर ने ध्यान किया उसी जगह पर अल्लाह ने परिंदे भेजे अबाबील, उन परिंदों ने अपने पंजों में छोटे छोटे कंकर उठा लिए और वो उस लश्कर के ऊपर से गिरा दिए। जब वो छोटे पत्थर उनके सर पर लगे तो वो नीचे तक चले गए, यानी उन पत्थरों के जरिए छोटे कंकड़ों के जरिए अल्लाह ने उस लश्कर का खात्मा कर दिया। मुकाबला करने निकला था पत्थर, अल्लाह ने छोटे परिंदे और छोटे कंकड़ों के जरिए उसको हलाक कर दिया। जी उसका पूरा कुरान पाक में पूरी सूरत भी नाजिल हुई है, सूरत फील अलम तरकल सफा और अरब होगा फील, वही पूरी सूरत इसी पर नाजिल हुई है। ये मीनार स्टेशन के अंदर हम दाखिल हो गए, ऊपर ट्रेन चलती है, ट्रेन का जो मेट्रो स्टेशन बना है उसे गाड़ियों का रास्ता है, और यहाँ से निकल कर सीधे हाथ में छोटा सा एक मैदान है खुला, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत ने कुछ आबादी भी नहीं बनाई, इस जगह पर वो बदबख्त और तमाम हुआ था। इस जगह से जल्दी जाना सुनत है, जिस जगह पर अजाब नाजिल हुआ हो। ये सीधी हाथ में देखी थी, ये वाली जगह, ये वाली अस्तफार पड़ती हुई जगह, ये वाली अभी हम मीनार में दाखिल हो गए जी, बिना दोनों तरफ मीनार है, ये बोर्ड लिखा है, बोर्ड पे लिखा है बिदाय है मीना, देवों की बस्ती जो इसमें हाजी की आम करती है, जो कि ईदों की इसमें हाजी की आम करती है। मीनार के अंदर एक और वाक्य हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, जो एक बड़ा आजमाइश वाला वाक्य था, एक आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर बेटे जबा करने की। उल्टे हाथ की तरफ जरा देखे, उल्टे हाथ की तरफ पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा मीनार आपको नजर आएगा, जिस जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लाए थे जबा करने के लिए, एक छोटा सा मीनार रखा, जो मेरे इशारे की तरफ देखे, मैंने जहाँ इशारा किया है वो सामने एक छोटा सा मीनार है पहाड़ के ऊपर, ये मकाम इस्माइल है जी सामने है साहब। पीछे वाले सबने देख लिया, अभी तरह के देखे जा मीनार के ऊपर ये मकाम इस्माइल है, उसको इस्माइल में कहते हैं, मकाम इस्माइल में कहते हैं। अब ये वही जगह है या नहीं है अल्लाह को पता है, तारीख की किताब में लिखा है कि वाकई इसी जगह पे हुआ था, तो यह निशानी और नबी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम निशान है, अल्लाह के बड़े लाड लेते भी थे, अल्लाह से हम कलाम होते थे कोई तौर पर, हर हफ्ते इस मस्जिद की जियारत करने आता। जमरात में एक सफेद बिल्डिंग आपको नजर आएगी, उल्टे हाथ में नजर, उस बिल्डिंग के ऊपर सफेद छतरी नुमा शक्ल की बिल्डिंग बनाई गई है, अंधेरा भी उसमें नजर आएगा आपको, वो जमरात है जिसमें तीन बड़े शैतान है, जो रवि का अमल यहाँ पे किया जाता है। अभी मीना भी यहाँ से दोनों तरफ आपको मीना नजर आ रहा है, ये उल्टे हाथ में जरा देख रहे हैं मस्जिद खैफ की तरफ, थोड़ा सा जब गाड़ी सीधी हो जाए मीनार देख के नजर आ रहे हैं, चार मीनार वाली मस्जिद है, दो मीनार आगे है दो पीछे, ये मस्जिद खैफ है, उल्टे हाथ है वाजी देखिए।
और उसी के साथ जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ना, सफेद रंग की छतरी हुई बनी हुई है ऊपर, ये जमरात है। सामने जंग मस्जिद है, थोड़ा सा बिल्कुल गाड़ी के बराबर सामने जिसमें अंधेरा भी है, ये जमरात है जिसमें तीन बड़े शैतान है जी। पहले नंबर पर छोटा शैतान का दरमियानी है, लास्ट में जुमरा इतना है बड़ा शैतान। बिल्कुल गाड़ी के बराबर नजर आ रहे हैं जो तीन बड़े पिलर है जो ऊपर छतरी नुमा शक्ल बनी हुई है, बिल्कुल सामने जिसमें अंधेरा है ना, ये जमरात है। सीधी हाथ में मीनार भी यहाँ से आपको पूरा नजर आ रहा है, मीनार दाएं बाएं पूरा मीनार है।